हाय, दिस इज हलीम सानिया एंड यू आर वाचिंग गूगल बॉलीवुड। इस रिमिक्स के दौर में आए दिन कोई ना कोई नया रिमिक्स गाना हमें सुनने को मिलता है। आर्टिस्ट कोई पुराना गाना उठाकर उसका रिमिक्स कर देते हैं, जिस कारण गाने का पूरा लुक चेंज हो जाता है, चाहे वो गाने का तरीका हो या गाने का म्यूजिक। इस रिमिक्स के दौर में बी प्राक का भी गाना आज ही रिलीज हुआ है, जो कि टी सीरीज के बैनर तले रिलीज हुआ है। गाने का नाम है दिल तोड़ के, जिसका असली वर्जन साल 1995 में उदित नारायण द्वारा गाया गया था। और असली वर्जन और न्यू वर्जन में जमीन आसमान का फर्क है। बता दें, ओल्ड वर्जन गाने को कंपोज और डायरेक्ट मिलिंद सागर, निखिल और विनय जी ने किया था। ये गाना फिल्म बेवफा शर्म के गाना है, जो कि टी सीरीज द्वारा ही रिलीज किया गया था। अब टी सीरीज ने इस गाने का रिमिक्स निकाला है, जिसके सिंगर बी प्राक है, जिसे म्यूजिक रोचक कोहली ने दिया है। अब बात करते हैं गाने की। ओल्ड वर्सेस न्यू गाने में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि हमारी माने तो जो गाना 1995 के हिसाब से बना हो या लिखा गया हो, वो साल 2020 में कन्वर्ट किया जाए तो उस गाने की धज्जियां तो उड़ेंगी ही, क्योंकि आर्टिस्ट अपने अंदाज से उस गाने को गाकर पूरा का पूरा गाना बदल देता है, जिस कारण लोग हमेशा ओल्ड और न्यू गाने में डिफरेंस करने लग जाते हैं। और शायद यही कारण है कि इस गाने को अभी तक 22,000 से ज्यादा डिसलाइक मिल चुके हैं और लोग तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। आप भी नजर मारें उन कमेंट्स पर। शिवा टी लिखते हैं, भाई ओजी सॉन्ग सुनो, उदित सर की आवाज में ऐसा लग रहा है ये गा नहीं चीख रहा है। प्लीज टी सीरीज वालों, मेलोडी जो सॉन्ग्स है उनको तो बख्श दो। 90s के सॉन्ग को रिमिक्स करना बंद करो, बहुत ही यादें जुड़ी होती हैं लोगों की उन गानों के साथ। एक यूजर ने लिखा, अबे यार इतना अच्छा गाने को क्या बना दिया है, अच्छा होता किसी और की आवाज में रिकॉर्ड करते। एक यूजर ने लिखा, उदित नारायण बात ही कुछ और है, ये गाना उनकी बराबरी नहीं कर सकता, उदित नारायण बेस्ट सिंगर, मतलब कुछ भी बना दो इमोशनल होकर, जनता को तो हार्ट टचिंग ही लगेगा। एक यूजर ने लिखा, भाई वेन एवर यू रिक्रिएट द ओल्ड सॉन्ग यू हैव टू ऐड एटलीस्ट वन चोरस ऑफ दैट सॉन्ग। एक यूजर ने लिखा, ओरिजिनल अच्छा था, इतने अच्छे गाने की ऐसी तैसी कर दी, आवाज अच्छी है तो हर किसी अच्छे गाने की ऐसी तैसी नहीं कर सकते, हैशटैग बी प्राक। मनीष जैकर लिखते हैं, भाई पुराने सॉन्ग को क्यों बर्बाद कर रहे हो, इतना जान लो जो पुराना सॉन्ग दिल तोड़ के है वो आज भी करोड़ों दिलों की जान है, लव यू सोनू सर का सॉन्ग दिल तोड़ के। कमेंट्स देखकर आपको ये तो पता लग गया होगा कि लोगों का क्या रिएक्शन है इस गाने को लेकर। हम इस वीडियो के राही किसी गाने को बुरा नहीं बोल रहे, बस लोगों का रिएक्शन देखकर ये पूछना चाहते हैं कि क्या ओल्ड वर्जन सॉन्ग का रिमिक्स बनाना जरूरी है, क्या इंडस्ट्री के पास गाने की कमी है, क्या इंडस्ट्री के पास गाने लिखने वालों की कमी है। अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक बिल्कुल भी बी प्राक की आवाज से मैच नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडस्ट्री के पास म्यूजिक कंपोजर्स की कमी है। अगर कमेंट्स पर नजर मारे तो लोग यही अपील कर रहे हैं कि अगर पुराने गानों का न्यू वर्जन बनाना है तो बेहतर बनाएं। और क्या टी सीरीज ने इसलिए बी प्राक को ये गाने के लिए अप्रोच किया, क्योंकि उनका फेम है, नेम है, फैन फॉलोइंग है, इसलिए बी प्राक के कारण ये गाना चल जाएगा। अगर ऐसा है तो इस बार टी सीरीज गलत है, क्योंकि ऑडियंस अब होशियार है और उनको पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। इस गाने को लेकर आप सबके क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें गूगल बॉलीवुड के साथ।